हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है जम्मू कश्मीर में मेला लगने वाला है। यार क्यों डरा रही है। 1 दिसंबर के बाद से मेला लगना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेला कहाँ पे लगेगा तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो के बीच में मैं बता दूंगी कि मेला कहाँ लगेगा। तो मेला लगेगा ये मैं आपको बता रही हूँ, एक बोर्ड लगा था वहाँ पे जहाँ से हम गुजर रहे थे, वहाँ पे लिखा था कि 1 दिसंबर ऑनवर्ड से जो मेला है फन फेयर मेला, जम्मू फन फेयर मेला, वो शुरू हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो तेरी क्लास लगी थी, तू इधर क्यों आ गई? चल क्लास ले अपनी। इसकी क्लास लगी थी, इसने जैसे ही सुना ऐसे मुंह उठा के आ गई। तो आज हमारे घर पे बन रहे हैं टोडे। तो एक ये वाला, एक इस तवे पे चढ़ाया, एक उस तवे पे चढ़ाया, और एक मम्मी ने बेल भी लिया। तो अब हम आ चुके हैं अपने गार्डन में, आपको दिखाती हूँ मैं। तो हमने उगाई थी कुछ सब्जियाँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये हमारा बैक का गार्डन है, थोड़ा सा छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये किसकी बेल है आपको पता लगे तो कमेंट पहले करना। तो ये है बीन्स, ये ज्यादा नहीं है, एक दो ही है। तो पहले ऐसे होता है, फ्लावर्स होते हैं ये, फिर उसके बाद छोटू सा कद्दू बनता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा कद्दू लगा था, लेकिन शायद वो उतार लिया है, वरना मैं आपको दिखा पाती। तो आपने काफी दिनों से गुड्डू को नहीं देखा होगा। गुड्डू इधर देख। तो हमने गुड्डू को बांधा हुआ है, और गुड्डू को बंधा हुआ बिल्कुल होना पसंद नहीं है, इसलिए गुड्डू चिल्ला रहा है। हेलो, अब ये जाएगा कुछ लेके आएगा, पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ हेलो बोला। हेलो हेलो हेलो, ये नहीं चाहिए मुझे, हेलो चाहिए। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। ये हमेशा ऐसे ही करता है, इसको बुलाओ बॉल लेके आ जाता है। हेलो हेलो हेलो, ये देखो। तो गुड्डू की वजह से मुझे 50 बार तो हाथ धोने पड़ते हैं। तो चलो अब हम बनाएंगे कलाड़ी कुलचा घर पे ही, हमारे पास है कलाड़ियाँ। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं कलाड़ी कुलचा कैसे बनाती हूँ। मेरी मम्मा अलग स्टाइल से बनाती है और मैं अलग स्टाइल से बनाती हूँ, अगर आप बनाओगे तो और अलग स्टाइल से बनेगा मेरे ख्याल से। तो ये जो है इसको मैं यूज करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये एक छोटा सा प्याज है, इसमें ज्यादा भी काट सकते हैं, ये तो छोटा सा ही था। ये लिया, इसको बंद किया, तो इसका चूरा चूरा हो गया। ये हम टमाटर भी डाल देंगे इसी में, बस काफी है। तो अब हम लेंगे तवा, उस पर डालेंगे कुछ बटर। ये बटर हम कलाड़ी के लिए नहीं डाल रहे हैं, प्याज और टमाटर को भूनने के लिए डाल रहे हैं। अगर आपकी मर्जी है तो प्याज टमाटर डालें, नहीं तो मत डालें, बिना भी अच्छी होती है, पर मुझे टमाटर प्याज टमाटर के साथ अच्छी लगती है। तो सिंपली फिर इसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए, और भी जो मसालेदाने में है आपके मसाले बड़े हैं थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। मैंने तो क्या था वो धनिया पाउडर भी डाला था। तो मैं इसके ऊपर कोली रख दी थी, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा अच्छी तरह से ये पक जाता है और जल्दी पक जाता है। ये मेरा स्टाइल है, आपको नहीं पसंद तो मत करना, लेकिन मेरे को लगता है ऐसे जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे रख देती हूँ, तो ये जल्दी बुन जाता है। तो ये मसाला हम तवे के साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडा ना हो जाए, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। कुलचा गर्म गर्म खाने का बहुत मज़ा आता है। तो अब हम कुलचे को 2 हिस्सों में काटेंगे। मैंने पूरा ही काट दिया था, आप चाहे तो थोड़ा सा, जैसे कि चने कुलचे में काटते हैं, थोड़ा सा ऐसे काट लीजिएगा। अब लेंगे थोड़ा सा बटर और डालेंगे तवे पे, उसके बाद कुलचे को करेंगे गरम। जितना आपको बटर अच्छा लगता है उतना डालिए। तो कुलचे को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से गरम कर लीजिए और इसमें बटर लगा लीजिए। उसके बाद कुलचे को साइड पे रख दीजिए। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, कलाड़ी की। सबसे पहले बटर लीजिए, तवे पे डालिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा फैला लीजिए, और उसके बाद कलाड़ी को रख दीजिए, ठीक है। पहले इसको प्रेस करना नहीं शुरू कर देना, सिर्फ 2 मिनट रखना है। उसके बाद उसको दो मिनट नहीं, मतलब कि 30 सेकंड रखना है, उसके बाद पलट देना है। जो मसाला होगा वो आप कुलचे को लगा सकते हैं तब तक,
मैंने लगा दिया था ये मसाला, मेरे को टेस्टी लगता है इसलिए मैं लगा लेती हूँ। अगर आपको सिंपल कलाड़ी अच्छी लगती है तो वो भी बड़ी अच्छी होती है, पर मेरे को ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मसाला लगाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा मतलब कि कलाड़ी को प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा 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 करके इसको फैलाते जाइए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा फैली हुई कलाड़ी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को अगर फैली हुई कलाड़ी अच्छी नहीं लगती है तो उनकी मर्ज़ी है, पर फिर वो कम उसको दबाए, लेकिन मेरे को फैली हुई कलाड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैं फैलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉस डाल रही हूँ, आपकी इच्छा है सॉस पसंद है तो डालिए, मुझे तो अच्छा टेस्ट आता है सॉस डाल के, तो इसलिए आपकी इच्छा पर। तो 30-30 सेकंड के बाद कलाड़ी को पलटते जाएंगे और उसके बाद प्रेस करना इसको थोड़ी बाद में स्टार्ट करेंगे। 30 सेकंड पलटेंगे फिर उसके बाद इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करते जाना है। और जम्मू की मुझे लगता है यही सबसे स्पेशल डिश है, और जिसको कलाड़ी कुलचा नहीं पसंद और वो जम्मू का है तो वो क्या ही इंसान है। मतलब जम्मू की स्पेशलिटी है ये कलाड़ी, और मतलब किसको नहीं पसंद होगी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना सबसे अच्छे कलाड़ी कुलचा कहाँ पे मिलता है। और मेरी इस रेसिपी से ना ट्राई जरूर करना कलाड़ी कुलचा बनाने का, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, मतलब कि उसके आगे हर चीज़ फेल हो जाती है, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया पहले से, क्योंकि मैंने दबा दबा के थोड़ा बड़ा कर दिया। ये बिल्कुल चीज़ की तरह होता है, इसमें चीज़ पुल भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये मेरी कलाड़ी बन चुकी है, मैंने इस पर रखा कुलचा, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। मुझे तो ये वीडियो देखते वक्त ही मुँह में पानी आ रहा है, ये देखिए इसके साथ चिपक गई है। तो अब इसको रखेंगे इसके ऊपर, टेस्ट करके ज़रूर बताना इसका जो पुल आता है ना, जैसे कि पिज़्ज़ा में भी इतना पुल नहीं आता चीज़ का, इसको खींच के देखेंगे इतना पुल आता है। लेकिन ये मेरी मम्मी ने मुझे इतने बार ही बुला लिया ना, तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं सकी। ये अक्षिता ने वीडियो बनाई है गंदी सी, चीज़ बस क्योंकि ठंडी हो गई थी तब तक, इसलिए इतना अच्छा पुल। तब से मम्मी ने मुझे इतने बार बुला लिया ना, मैंने अपनी ये देखो मतलब ना खाने लायक छोड़ रहे हैं ना बुलाने लायक छोड़ रहे हैं। अभी गई बोलते उन्होंने बोला जो काम था अब नहीं है ना, ये अच्छी तरह से बन पाया, मतलब अच्छी बनी, टेस्टी बनती है ये जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन सेटिस्फेक्शन खाने में जो थी, आधी खाई आधी नहीं खाई क्या कुछ एवं ही है। तो मेन बांतराब रोड पे मेन चौक चिनोर के सामने थोड़ी सी आगे जाकर लगा है मेला। तो अगर आपको फिर भी एड्रेस जाने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि मेला कहाँ लग रहा है। इसको वीडियो में नहीं आने देना। तो इनके बाल इतने ज़्यादा कम है ना, मतलब स्किन भी दिखती है इनकी, तो अब देखिए इन बालों को मोटा कर दिया, अब लग रहे हैं कि बाल ज़्यादा हैं पहले से। तो अगर आपको एड्रेस के बारे में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कुछ और भी आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।